अभी ये रिंग सेलेक्ट कर रहा है और वो भी पूछ रहा है अपनी बेगम से कि कौन सी लो। अल्लाह अकबर कबीरा। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का सीन ये है कि कुछ सामान लेना है। सामान जब पहले दफ़ा लेने गए थे तो कुछ भूल गए थे, अभी कुछ सामान लेना है वो जाएंगे मार्केट में, तो देखते हैं क्या चीज़ लेते हैं क्या नहीं। साथ में ये दोनों डाउन। हेलो, ओके लेट्स गो। अभी मार्केट में पहुंच चुके हैं तो अभी निकलते हैं बाइक और देखते हैं कि क्या क्या सामान लेना है क्या नहीं लेना। यहाँ पे लोग इस तरह के जो बैग हैं वो यूज़ करते हैं, नॉर्मली जो लड़के हैं वो इस तरह के बैग ही इधर यूज़ करते हैं, दूसरी तरह के नहीं यूज़ करते। यहाँ पे तो ऐसा लगता है लड़के भी लेडीज़ ही यूज़ करते हैं, अगर देखें तो ये लेडीज़ वाले ही हैं नॉर्मली। आप पसंद ही सही है ले ला। पाकिस्तान जाना है फिर समझिया कर। पाकिस्तान जाना है ठीक है। ये भी एक बॉस है हमारे, इनकी भी सेटिंग नहीं हो रही, पता नहीं अब क्या लेना है इन्होंने। सही है, इधर वाहो लेदर नहीं सर जी, लेदर तो नहीं है, लेदर ये और सर जी फिर प्लास्टिक लग गया, मिक्स लेदर ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल वेट में दिया ये भी नहीं ओरिजिनल। और ये सारे लेडीज बैग लगे हुए हैं, ये टोटली लेडीज है, बड़े बड़े प्यारे डिज़ाइन है यार इनमें भी। ये है तो एलवी का लेकिन ये कॉपी है, ओरिजिनल नहीं है। ये सब लेडीज़। अब दूसरी दुकान पे आए हैं, पहली दुकान से जो सामान लेना था ले लिया, अभी दूसरी दुकान पे आए हैं और कुछ सामान इधर से लेना है, फिर चलते हैं आगे। सानू भाई थक के बह गए हो? कौन सा कलर यार इनमें से अच्छा है आप लोग हमें डिसाइड करके बता दें, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही कौन सा ले। ये कह रहा है ये वाला ले लें, वो कह रहा है ये वाला ले लें। ओके, लेकिन डिजाइन अच्छा है। क्लियर करो जी केड़ा जो आपको ठीक लग रहा है। ए ठीक है, सानू ए ठीक लग रहा है पिंक। चलो जी शुक्र है फाइनली ये पसंद हुआ वाइफ की परमिशन के। हाँ कौन केड़ा पसंद होया जी? वाइफ को ओके वे? हाँ जी, और तो ओके हो गया ना क्या जी। चलो जी वाइफ ने ओके कर दिया थे, ओके हो गया। मुंडे साढ़े रनमरी तो हो गए ना ब्याह तो पहले ही, वाइफ तो बगैर कदम भी नहीं चुकते। हाँ भरजाई सेंड कर, ये भी सिलेक्ट भरजाई करेगी कि केड़ी लैनी है। अभी अपनी वाइफ से पूछ रहा है कि डिब्बी कौन सी प्यारी है, ये वाली कि ये वाली। ये हालात आ गए हैं पाकिस्तान के जवानों के, इसलिए तो मुझे भी शादी नहीं करनी, इतनी टेंशन नहीं ली जाती। बार बार पूछो ये कैसी है ये कैसी है। अभी ये रिंग सेलेक्ट कर रहा है और वो भी पूछ रहा है अपनी बेगम से कि कौन सी लो। अल्लाह अकबर कबीरा। सही करके तस्वीर कर ला उन्होंने। अभी ये उससे पूछ रहा है कि कौन सी रिंग लो, ये पता नहीं क्या टॉप्स हैं ये, उसकी भी इजाज़त लेनी पड़ती है भाई। शॉपिंग हो गई है जी हमारी डन, अब जा रहे हैं घर की तरफ। शुक्र है कि बड़ी मुश्किल से शॉपिंग हुई है, किसी को वो चीज़ पसंद नहीं आ रही, किसी को वो चीज़ नहीं पसंद आ रही। लड़कियों वाली चीज़ें भी लेनी थी जिसका मैं बिल्कुल आइडिया नहीं था, ले लिया जो भी लेना था जैसा भी है पसंद आ जाए। तो अभी चलते हैं घर और देखते हैं कि आगे क्या करते हैं। अभी घर में पहुंचे हैं और अब हमारा जो काम स्टार्ट होगा वो ये है कि हमने पैकिंग करनी है, जितना भी सामान लिया है उसको बैग में पैक करना है और डन करना है, क्योंकि इसने परसों निकलना है तो एक दिन पहले जो सामान है वो डन होना चाहिए ताकि एक दिन पहले परेशानी ख़त्म हो। तो अभी
आज 12 रबीउल अव्वल है और हमने सब दोस्तों को अपने घर में इनवाइट किया था। अभी ये केक लेके आए हैं, तो पहले हम केक काटेंगे और उसके बाद जो अपना जो खाना पकाया है उसको खाएंगे, और इस तरह एक छोटी सी हमारी आप समझ लें कि सेलिब्रेशन भी हो जाएगी, और जो 12 रबीउल अव्वल है वो भी हम मना लेंगे। ये हमने साथ में बिरयानी बनाई थी जो कि नवीद भाई ने बनाई, बहुत ही यम्मी थी, बहुत ही मज़ेदार थी। और आपको मैं केक दिखाता हूँ कि ये जो केक है ये मलेशिया का बेस्ट केक है, आई लव STS ये उनकी कंपनी का नाम है। तो इनका जो केक होता है वो बहुत ही डिलीशियस होता है। आप देख रहे हैं ये साइड पे जो भी लगा हुआ है ये सब जो है वो ड्राई फ्रूट लगा हुआ है, ऊपर स्ट्रॉबेरी है, बहुत कुछ है। और इसके साथ वाला आप देख लें किस तरह का लग रहा है, लेकिन वो भी अच्छा है, लेकिन इसकी तो एक अपनी ही क्लास है। मोस्टली मलेशिया में जो भी लोग हैं वो यही कंपनी से लेते हैं, आई लव STS। तो अगर आप भी कभी अपना कोई सेलिब्रेशन या प्रोग्राम करें तो आप भी ये वाला केक लाजमी ट्राई करें, ये बहुत ही यमी है, बहुत ही मज़ेदार है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है लेकिन ठीक है, चलता है। तो अभी ये भाई कमर जो है ये करेंगे केक कटिंग, और साथ में बैठे हैं शाह साहिब जी, क्योंकि ये हमारे मौजूद हैं, हमसे बड़े हैं, तो हमने सोचा कि आप अपने हाथ से ही केक काटें। सब दोस्त साथ में बैठे हुए हैं, तो अभी थोड़ा सा वो बोल रहे थे कि थोड़ा दुरूद वगैरह पढ़ लें, सब लोग वो पढ़ने लग गए। और उसके बाद भाई कमर कह रहे मैं थोड़ी मोमबत्ती इसके ऊपर जला देता हूँ ताकि थोड़ा सा प्यारा लगेगा, और उसके बाद उसको बुझा के तो केक काट देंगे। तो सब दोस्त इसका ही वेट कर रहे थे और दुरूद वगैरह पढ़ रहे थे। इस तरह की सेलिब्रेशन लोग पाकिस्तान में करते हैं, उस तरह की सेलिब्रेशन हम लोग यहाँ पे तो नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ये लोग जो है ना ये नहीं सेलिब्रेशन करते इसकी 12 रबीउल अव्वल की। सो हमने अपने घर में ही छोटा सा ये फंक्शन किया और सब दोस्तों को इनवाइट किया। और नॉर्मली जो होता है हमारे फंक्शन ये ज़्यादातर घर में ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये ज़्यादा लोग ऐसा वैसा कुछ नहीं करते, ये 12 रबीउल अव्वल या मुहर्रम ये वो ये लोग नहीं करते मलेशियन। अभी दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद भाई कमर और शाह साहिब और भाई इकराम जो हैं वो अपने हाथ से केक काटेंगे। और ये महफिल का असूल है, और आप इसको एक अच्छी नसीहत भी समझ लें कि जिस महफिल में आपसे बड़े बैठे होंगे तो कोई भी काम होगा आप उनको करने दें, अपने हाथ से ना करें, क्योंकि ये एक उनकी रिस्पेक्ट होती है कि वो आपसे बड़े हैं और जो भी काम है वो अपने हाथ से करेंगे, क्योंकि वो आपसे बेहतर जानते हैं। तो इस चीज़ का भी बड़ा ख्याल रखना चाहिए कि जिस महफिल में आपसे बड़े हैं तो उनको ही ये मौका देना चाहिए। अब हम सब लोग आप देख रहे हैं कि हम साइड पे बैठे हैं, किसी ने भी नहीं बोला कि मैं केक काटूंगा ये करूंगा, आप देख रहे हैं कि सब आराम से बैठे हैं, उनको कह रहे हैं कि आप काटें क्योंकि वो हमसे बड़े हैं और इस महफिल में भी वो हम सबसे बड़े हैं। सब ने अभी केक काट लिया और खाना शुरू कर दिया। ये हैं जी हमारे फजल खर साहब, इनको बहुत ही पसंद है ये केक, और उन्होंने बोला कि मुझे सबसे ज़्यादा दो दो केक है, नॉर्मली इतना ज़्यादा खाया नहीं जाता। सब ने बहुत ही मज़े के साथ खाना खाया। तो मैं भी इस वीडियो को करता हूँ यहीं पे एंड, तो आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में बहुत ही जल्द। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का पता चले।